हेलो। तो गुड मॉर्निंग, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। डिफरेंशिएशन में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। और एक बेसिक चीज़ मैं तुम्हें समझा देता हूँ, हमारे सिलेबस का जो फ्लो चार्ट है मैं उसको थोड़ा समझा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अगर तुम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, बेसिकली सपोज करो तुमने आईआईटी या नीट का पेपर दिया। अगर तुमने आईआईटी या नीट का पेपर दिया, ठीक है ना, आईआईटी नीट के अंदर होता क्या है पहले इसको समझ लेना। यहाँ पर जो तुम्हारे टोटल क्वेश्चंस जो आएंगे, सपोज करो अगर तुम्हारे आते हैं 360 मार्क्स के क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के, 360 के अगर आते हैं, तुम्हें जो बहुत एक अच्छा रैंक, एक रिस्पेक्टेबल रैंक चाहिए होता है उसके लिए तुम्हें यहाँ स्कोर कितने चाहिए। आईआईटी के अंदर मैं बोल रहा हूँ, आईआईटी में कितने रैंक स्कोर चाहिए तुम्हें 360 में से। अगर तुम्हारा स्कोर 200 या उसके ऊपर आता है, 200 प्लस आता है, तो इजिली तुम्हारा रैंक कितने के रेंज में पहुंच जाता है, तुम्हारा इजिली रैंक तुम्हारा 4000, 3000, इससे बेटर रैंक ही तुम्हारा रहेगा। 3000, 4000 इससे भी बेटर रैंक रहेगा। ये तुम्हें तुम्हें वर्स्ट केस बता रहा हूँ, वर्स्ट केस 3000, 4000। और लास्ट ईयर एक स्टूडेंट का था 195 स्कोर पे, लास्ट टू लास्ट ईयर, अभी वो सेकेंड ईयर है पहुंच चुके हैं, तो 195 प्लस के स्कोर पे उसका कितना आता है रैंक, 2000, ठीक है। तो उसको आईआईटी मंडी में कंप्यूटर साइंस मिल गया, कंप्यूटर साइंस अभी सीएस पढ़ रहा है वो, कंप्यूटर साइंस कर रहा है वो। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स में कन्वर्ट करना, तुमको जो आता है उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। वो तभी होगा जब तुम्हारी थ्योरी कवरेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स में तुम कितने हद तक सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए तुमको अपने मैथमेटिकल टूल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी सिलेबस क्या होती है ना, एक्चुअली कि एक महीने के अंदर भी सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, 3 महीने भी कंप्लीट हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, वो कंटेंट बहुत जल्दी हो सकता है खत्म, बट तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग होगा तभी तुम उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर पाओगे। जब तक बेसिक्स तुम्हारे स्ट्रांग नहीं है तब तक तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुम्हें आती होंगी चीजें, बट अगर तुम देखो वहां पे क्या होता है ना, तुम क्वेश्चन को समझो। अगर सपोज करो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर कुछ गिवन है यहाँ पर, क्वेश्चन के साथ तुम्हें चार ऑप्शन दिए होंगे, चार ऑप्शन दिए होंगे, तुमने कुछ सॉल्व किया, तुमने कुछ लिखी अपनी चीजें। वहां सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं, सब्जेक्टिव में क्या होता है कि तुम्हें स्टेप मार्क्स मिल जाते हैं, सब्जेक्टिव में तुम्हें स्टेप मार्क्स मिल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आंसर अगर एग्जैक्टली किसी ऑप्शन से मैच करेगा, किसी ऑप्शन से, मान लो बी ऑप्शन से मैच करता है और तुम सर्कल करते हो, वो ऑप्शन करेक्ट होगा तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। यानी कि तुम्हारे स्टेप्स का कोई वैल्यू है ही नहीं, तुम्हारे स्टेप्स का कोई वैल्यू नहीं अगर तुम आंसर तक पहुंच नहीं पाते हो। तुम्हें थ्योरी थोड़ी बहुत ही आती है, अगर तुम आंसर तक पहुंच नहीं पाओ तो किसी काम का नहीं, वो टोटल तुम्हें 0 या निगेटिव मार्क्स मिलेंगे उससे। इसलिए पहले अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लो, मैथमेटिकल स्किल्स को, उसके बाद फिर थोड़ी थ्योरी तो बहुत फास्ट हो जाएगी, थ्योरी में कोई टेंशन नहीं है। एक बार थ्योरी स्टार्ट होने दो, फिर देखना बहुत कम टाइम करते तुम्हारी थ्योरी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। पहले मैथमेटिकल टूल्स पर ध्यान दो। आओ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन, देखते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज क्या है। पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज की लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स। पहले फॉर्मूला वाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे करते हैं, उसके बाद फिर मैं तुम्हें बता दूंगा मीनिंग क्या है इसका, ठीक है। फिजिकल मीनिंग मैं बाद में बताता हूँ। तीन चार अप्रोच होते हैं समझने के, दो तीन अप्रोच होते हैं, दो तीन अप्रोच होते हैं, उसको अलग से बाद में समझेंगे। पहले हम लोग फॉर्मूला के वे में समझते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया जाता है, इसके बाद इसके मीनिंग समझाता हूँ कि कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो बाद में समझाऊंगा। पहले ये लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये क्या होता है, इसका होता है रिजल्ट एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और हमेशा इंटीग्रेशन के लास्ट में क्या आता है, प्लस सी, क्या आता है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है प्लस सी, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला साइन एक्स का देख लेते हैं, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस। तो ये तीन फॉर्मूलाज पहले नोट कर लो, ये तीन फॉर्मूलाज तुम लोग नोट कर लो, उसके बाद में मैं आगे बताता हूँ। ये तीन फॉर्मूलाज नोट कर लो, फोर्थ भी यहीं पे मैं लिख देता हूँ। मान लो किसी ने इंटीग्रेट करना हो, अगर साइन के एक्स को किसको करना है, साइन के एक्स को अगर इंटीग्रेट करना चाहता है कोई साइन के एक्स को, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है माइनस कॉस के एक्स अपॉन के,
उसका होता है माइनस कॉस के एक्स अपॉन के माइनस कॉस के एक्स अपॉन के प्लस कॉन्स्टेंट। ये चार फॉर्मूलाज को नोट कर लो। इन चार फॉर्मूलाज को पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इन फॉर्मूला के थ्रू हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। पहले फॉर्मूलाज लिख दो, फिर और फॉर्मूलाज भी लिखेंगे, बट पहले इन चार फॉर्मूलाज के थ्रू सीखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके बाद फिर बाकी के फॉर्मूलाज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर ये भी सीख जाओगे तो एटलीस्ट बहुत हद तक तुम्हारे 11th क्लास का काम निपट जाएगा। इनसे भी तुम्हारे बहुत हद तक 11th का काम हो जाएगा। बाकी आगे करते हैं, इनको पहले नोट कर लो, ये सारे नोट कर लो। कर लिया सभी ने नोट, आओ नेक्स्ट बोर्ड पे आते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो किसी ने इंटीग्रेट करने को बोला x टू द पावर 7dx, क्या इंटीग्रेट करने को बोला x टू द पावर 7dx, ये कौन सा फॉर्मेट है, ये हमारे फॉर्मूला के हिसाब से कौन से फॉर्मूला से मैच करता है। x टू द पावर 7 मतलब कांस्टेंट, या x टू द पावर n जो होता है n कांस्टेंट होता है, n क्या होता है n कांस्टेंट होता है, यानी फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन है हमारे पास। x टू द पावर 7dx मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला यहां अप्लाई होना है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा रिजल्ट, इसका रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू x टू द पावर 7 + 1 अपॉन 7 + 1 प्लस c, x टू पावर 7 + 1 अपॉन 7 + 1 प्लस c, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया x टू पावर 8 / 8 प्लस c, ये आ गया x टू पावर 8 / 8 प्लस c, ठीक है। ऐसे मान लो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं x क्यूब माइनस x माइनस एक्स तक ही करके छोड़ देते हैं, सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स करके छोड़ देते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, तो बीच में क्या साइन आया, माइनस साइन है। दो फंक्शन, ये एक्स क्यूब एक फंक्शन है, एक्स एक्स अलग फंक्शन है, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। एक्स क्यूब एक फंक्शन है, एक्स एक अलग फंक्शन है, बीच में माइनस का साइन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले फर्स्ट फंक्शन को करो, फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 + 1 अपौन 3 + 1 माइनस एक्स से क्या, एक्स का मतलब होता है यहाँ पावर वन होता है, एक्स का मतलब एक्स टू पावर वन होता है, ये हो जाएगा एक्स टू पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस। ये नोट कर लो, इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा, काफी सिंपल एग्जांपल से है। पहले इसको नोट कर लो, हेलो। तो यहां तक की सारी चीजें कंप्लीट हो गई, यहां तक सबने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, इंटीग्रेशन ऑफ ये सिंबल इंटीग्रेशन, ये सिंबल किसको, ये वाला सिंबल और dx, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हर क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, ये सिंबल हर जगह रहेगा ही रहेगा। ये बताता है कि तुम्हें इंटीग्रेट करना है और ये बताना है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यहाँ पे दो सिंबल्स है तुम्हारे पास, ये सिंबल बताता है कि तुम्हें इंटीग्रेट करना है
और ये बताता है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, वेरिएबल कौन सा होगा तुम्हारे पास ये तुम्हें बताता है, ठीक है। तो ये तुम समझ गए होगे। अब आप क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में बोल दिया सपोज करो साइन 4x, क्वेश्चन में क्या बोल दिया साइन 4x को हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से फॉर्मूला से मैच करते हैं, ये साइन kx हो गया, क्या हो गया ये साइन kx हो गया, साइन kx, साइन kx का क्या होता है, इसका होता है माइनस कॉस, साइन kx का होता है माइनस कॉस kx अपॉन k, माइनस कॉस kx अपॉन k, k की जगह यहाँ पर क्या है, k की जगह यहाँ पर 4 है, k की जगह पर यहाँ पर 4 है, तो माइनस कॉस kx अपॉन k, क्या है माइनस कॉस kx अपॉन k, k की जगह 4 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस कॉस kx अपॉन k, माइनस कॉस 4x अपॉन 4 प्लस सी, माइनस kx, माइनस कॉस kx अपॉन k प्लस सी, ये आ गया माइनस कॉस 4x अपॉन 4 प्लस सी, देन माइनस कॉस 4x अपॉन 4 प्लस सी, आ गया समझ, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस और हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर ले, क्वेश्चन 4th कर लेते हैं, तीन क्वेश्चन हो गए हमारे, अब फोर्थ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं कि इंटीग्रेट कैसे करना होता है फंक्शंस को, हमने बहुत कम 3-4 फॉर्मूलेस पढ़े, उसके एप्लीकेशंस पहले देख लेते हैं कि जो अप्लाई कैसे करना है। सपोज करो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर x टू द पावर 9 लिखा हो माइनस 5 टाइम्स x टू द पावर 3 लिखा हो माइनस या प्लस लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं, प्लस कॉस 2x लिखा हो, प्लस कॉस 2x लिखा हो, और इस पूरे को हमने इंटीग्रेट करना है, इस पूरे को हमने क्या करना है, इस पूरे को हमने इंटीग्रेट करना है dx, इस पूरे को हमने इंटीग्रेट करना है dx, बोर्ड थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो इस पूरे को हमने इंटीग्रेट करना है dx के साथ, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, फिर से अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा, यहाँ पे 3 है, सेकंड वाले टर्म में 3 लिखा हुआ है, x टू पावर 9 माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन रखा है हमने, एक्स टू पावर 9 माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस कॉस 2x, एक्स टू पावर 9 माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस कॉस 2x, ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स टू पावर 9 माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस कॉस 2x। अब इसको इंडिविजुअली एक एक टर्म को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर 9। अब यहाँ खास बात, जब कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाइड होता है, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, जब कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होता है कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, जब कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाइड होता है तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x, लास्ट टर्म हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, लास्ट टर्म हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। फर्स्ट टर्म में फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, अच्छा यहाँ पे dx छूट गया, हर एक के साथ dx आएगा, हर एक के साथ dx आएगा, हर एक के साथ इंटीग्रेशन का साइन आएगा, ठीक है ना, तो हर टर्म को अलग अलग करेंगे, सबके साथ x टू पावर 9 के साथ dx आ गया, सेकंड में क्या हो गया, माइनस 5 कॉन्स्टेंट, माइनस 5 बाहर आ गया, एक्स क्यूब dx आ गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक्स टू पावर 9 का क्या होता है, एक्स पावर 9 का क्या होता है, इसका होता है, इसका होता है एक्स टू पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1, एक्स टू पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 माइनस 5, 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस कॉस 2x का क्या होता है, कॉस 2x का होता है साइन, ये कॉस के एक्स है, क्या ये कॉस के एक्स का क्या फॉर्मूला है, कॉस के एक्स का फॉर्मूला है साइन के एक्स अपॉन के, k की जगह हमारे पास 2 है, साइन 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, नोट कर लिया सारा कुछ, सारा कुछ नोट कर लिया, डन। अगला जो एग्जांपल देखेंगे हम लोगों ने इंटीग्रेशन करना सीख लिया, फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीख लिया, 4-5 फॉर्मूले जो हमने किए हमने उसको अप्लाई करना सीख लिया, ठीक है ना, ये अगर समझ आ गया तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका समझ आ चुका है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका तुम्हें समझ आ चुका है। अब मैं तुम्हें क्या करवाता हूँ, नेक्स्ट मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवाऊंगा, समझाऊंगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट क्या है, नोट कर लो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है,
ठीक है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये नोट कर लो। अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग देखो, दिखा बताता हूँ मैं तुम्हें। सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है डी एक्स के साथ। सिंपल, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स को इंटीग्रेट करना है डी एक्स के साथ। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, पहले टर्म बाई टर्म दोनों को अलग अलग कर लो। एक्स क्यूब डी एक्स माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं डी एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, थ्री कॉन्स्टेंट है तो अगले स्टेप में थ्री भी बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस थ्री टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एक्स टू पावर थ्री प्लस वन कितना होता है फोर, अपॉन थ्री प्लस वन कितना होता है फोर, माइनस थ्री एक्स टू पावर यहाँ पे क्या वन है, यहाँ पे क्या है वन है, वन प्लस वन कितना होता है, वन प्लस वन कितना होता है, वन प्लस वन होता है टू, अपॉन वन प्लस वन फिर से टू प्लस सी। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या करके देखते हैं हम लोग, करके देखते हैं कि हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं, हम लोग आंसर को डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आंसर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर आंसर को डिफरेंशिएट करोगे विद dx, अगर x के साथ डिफरेंशिएट करोगे आंसर को, आंसर क्या है हमारे पास, आंसर इज सिंपल x टू पावर फोर, आंसर में क्या टर्म्स है तुम्हारे पास, x टू पावर फोर अपॉन फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। इसको डिफरेंशिएट करके देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो इसका आंसर यही आना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स ही आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आंसर को डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर आंसर को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिल जाएगा, तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी इंटीग्रेशन क्या बताता है कि अगर तुम किसको डिफरेंशिएट करो तो तुम्हें ये आंसर मिलना चाहिए, किस फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट करो तो तुम्हें ये मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बताता है किसको डिफरेंशिएट करने से एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स मिलेगा, मतलब एक्स टू पावर फोर अपॉन फोर माइनस थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सम कॉन्स्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। ये इसका फिजिकल मीनिंग, क्या इसका मीनिंग है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है कि ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा है। किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, दैट इज इंटीग्रेशन। किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, दैट इज इंटीग्रेशन। चाहो तो करके दिखा देते हैं, बहुत फास्ट करेंगे इसको, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर फोर क्या होता है, एक्स टू पावर फोर का होता है फोर एक्स क्यूब, एक्स टू पावर फोर का होता है फोर एक्स क्यूब अपॉन फोर, ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा, माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का होता है टू एक्स, एक्स स्क्वायर का होता है टू एक्स अपॉन टी। कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट का होता है जीरो, कॉन्स्टेंट का होता है जीरो। यहाँ फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टू टू कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, हमारे पास आंसर आएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। क्या आंसर आया हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। देख लो मैच कर गया, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स को हमने इंटीग्रेट किया था, जब आंसर को डिफरेंशिएट किया तो हमें फिर से एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स मिल गया, जब हमने आंसर को डिफरेंशिएट किया तो हमें फिर से एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स मिल गया। ये इस बात का प्रूव है, ये इस बात का प्रूव है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इस बात का प्रूफ है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ आ गई बात, इससे हमें क्या समझ आया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई, नोट कर लो सारा कुछ, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, नोट कर लो ये सारा कुछ। सबने नोट कर लिया, सबने समझ लिया इसको, क्या किया कि जब क्वेश्चन मिला इंटीग्रेशन, क्वेश्चन मिला इंटीग्रेशन करने का, तो जो आंसर हमारे पास आया सॉल्व करने का, हमारे पास जो आंसर आया उस आंसर को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें फिर से वो क्वेश्चन मिलना चाहिए, आंसर का डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट होगा वो क्वेश्चन फिर से मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये समझ लो, और फिर इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। इस पे क्या आता है, इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। कैसे आते हैं प्रॉब्लम्स वो समझाता हूं, इस पे आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। कैसे आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वो देखो, मान लो क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया, एक सेकंड क्लियर कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन में बोल रखा है तुम्हें, क्वेश्चन है इफ टाइम में कुछ प्रॉब्लम,
क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, इफ fx इज अ फंक्शन, इफ fx इज अ फंक्शन, इफ fx इज अ फंक्शन सच दैट, इफ fx इज अ फंक्शन सच दैट, इफ fx इज अ फंक्शन सच दैट, such that f dashed x, such that f dashed x equals to sine 3x plus x to the power 5. Find fx, then find fx. F dashed x का मतलब पता है? F dashed x का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ fx. f डैश x का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ fx. f डैश x का मतलब समझ लो ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ fx. क्या हो जाएगा ये बता रखा है तुम्हें, साइन 3x प्लस x टू द पावर 5. ये नोट कर लो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझते हैं, ठीक है ना. तो ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है कि f डैश x की वैल्यू इतनी है, ये गिवन है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ये क्वेश्चन में गिवन है. अब क्या हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग वाई मान लेंगे, वाई. अच्छा डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स. अगर वाई इज एफ एक्स है, क्या वाई इक्वल टू एफ एक्स अगर है, सपोज कर लो कि वाई इक्वल टू एफ एक्स है, सपोज कर लो कि वाई इक्वल टू एफ एक्स है, वाई कोई फंक्शन मान लिया, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स सपोज कर लिया कि वाई इज एफ एक्स, ठीक है ना, सपोज कर लिया वाई इक्वल टू एफ एक्स है. इसके बाद क्या लिखा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू dy/dx = sin 3x. ये मैं तुम्हें करने के स्टेप्स बता रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे लिखोगे तभी तुम्हारे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना. सपोज कर लिया कि y = fx, सपोज कर लिया y = fx, तो क्या गिवन है, हमें गिवन ये है f'x, तो ये हमारी ये बता गिवन हो गया हमारे पास, तो dy/dx = sin 3x + x^5. ये समझ आ गया स्टेप. क्वेश्चन अगर ऐसा गिवन होगा, इफ fx इज अ फंक्शन सच दैट f'(x)(sin 3x + x^5) फाइंड fx. हमने पहले क्या करना है, y = fx मान लेना है, सपोज कर लिया कि y = fx. फर्स्ट स्टेप किया हमने कि सपोज कर लिया y = fx, सपोज कर लिया y = fx, ठीक है, सपोज कर लिया कि y = fx है. इसके बाद क्या किया, सपोज y = fx करने के बाद हमने लिखा कि dy/dx = sin 3x + x^5, dy/dx = sin 3x + x^5. नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि dx को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dx को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा sin 3x + x^5, और यहाँ साथ में क्या लिखा आएगा हमारे पास, साथ में आ जाएगा dx. ये समझ आ गया, dy = क्या हो जाएगा, sin 3x + x^5, dx ऊपर आ जाएगा, dx यहाँ ऊपर हम लोग लेके आ गए, sin 3x + x^5 से dx को ऊपर लेके आ गए, क्लियर है, dx को हम लोग ऊपर लेकर आ गए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का काम कर दिया, और इस पूरे जो sin 3x + x^5 है पूरे को dx से मल्टीप्लाई कर दिया. देन यहाँ पे कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट तुम्हें, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, आओ अब इसके आगे समझते हैं. ये नोट हो गया, dy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, sin 3x, जो लास्ट स्टेप आया था उसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, sin 3x + x^5, साथ में क्या था हमारे पास, dx. ये आ गया था हमारे पास. अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है ना. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x + x^5 dx, ठीक है ना. तो इंटीग्रेशन ऑफ dy जो होता है, मैं बता दे रहा हूँ अभी तुम्हें सिर्फ, इसका फॉर्मूला और लिखेंगे हम लोग अभी, इसको सिंपली लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy होता है y,
इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई होता है वाई, हमेशा हमेशा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई कितना होता है, ये होता है वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई होता है वाई, ये नोट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई होता है वाई, ठीक है। इक्वल्स टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, अलग अलग सबको टर्म्स को स्प्लिट करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा साइन थ्री एक्स डी एक्स, सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा, सेकेंड टर्म बन जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर फाइव, तो ये हमारे पास स्टेप्स हो गए। ये क्या बन गया, साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा था साइन के एक्स का होता है माइनस कॉस के एक्स अपॉन के, क्या होता है साइन के एक्स का, साइन के एक्स का होता है माइनस कॉस के एक्स अपॉन के प्लस एक्स टू पावर फाइव, क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा एक्स टू पावर फाइव प्लस वन अपॉन फाइव प्लस वन प्लस कॉस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री, और यहाँ हो जाएगा एक्स पावर सिक्स अपॉन सिक्स, एक्स टू पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस सी, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। हमने निकाल लिया कि किस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वो मिलेगा, किस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें साइन थ्री एक्स प्लस एक्स टू पावर फाइव मिलेगा, किस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा साइन थ्री एक्स प्लस एक्स टू पावर फाइव मिलेगा, ठीक है, डन। यहां तक कहीं कोई डाउट, यहां तक कहीं कोई डाउट तुम्हें, ये हमारा फाइनल आंसर क्या आया है, फाइनल आंसर क्या है इसको सिंपल लिख देते हैं, क्या आ जाएगा ये माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री, माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस एक्स टू पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस एक्स टू पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस सी, ये आ गया माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस एक्स टू पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया, डन। समझ आ गई सारी बातें, कैसे अप्लाई करते हैं समझ आ गई सारी बातें, कोई डाउट है तो बताना, यहां से हमने ये निकाल लिया स्टेप, सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी क्लास में तुरंत मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उस चीज को कंप्लीट कर दूं, और स्पीड का टेंशन बिल्कुल मत लेना, स्पीड बहुत आराम से कंप्लीट होगा, क्योंकि मैंने ज्यादातर अभी तक जो करवाया मैंने क्रैश कोर्स ही करवाया है, क्रैश कोर्स का मतलब पता है ना, एक महीने में पूरा सिलेबस, डेढ़ महीने में पूरा सिलेबस, तो इसलिए हम लोग बहुत कंफर्टेबली चार पांच महीने के अंदर बहुत आराम से हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन पहली चीज क्या है कि मैथ स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है, अगर तुम्हारी मैथ स्ट्रांग नहीं है, अगर तुम्हें ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेक्टर्स नहीं आता, तुम्हें हर टॉपिक में प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगा, तुम्हें हर टॉपिक पढ़ने के बाद प्रॉब्लम आएगी, ये अगर सॉल्व हो गया टॉपिक तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, बट अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम रही तो हर टॉपिक को पढ़ोगे वहाँ वेक्टर्स आ जाएगा फिर तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, किसी टॉपिक को तुम पढ़ रहे हो फिर कैलकुलस आ जाएगा फिर तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पहले वेक्टर्स एंड कैलकुलस को स्ट्रांग कर लो, उसके बाद टॉपिक वाइज चलता रहे, कोई इशू नहीं है, फिर बहुत सिंपल हो जाता है काम। ये सारा कुछ नोट कर लिया, ये सारा कुछ नोट कर लिया, अगर ये सारा कुछ नोट कर लिया तो आओ आज मैं तुम्हें एक टॉपिक करवाता हूँ सॉल्व, जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक, क्या पढ़ा है तुमने, तुमने पढ़ा है काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक इक्वेशन, क्या पढ़ा है तुमने अभी तक, काइनेमैटिक इक्वेशन, लिख लो काइनेमैटिक इक्वेशन, क्या लिखते हैं इसको, लिखते हैं काइनेमैटिक इक्वेशन, काइनेमैटिक इक्वेशन पता है कौन से होते हैं, तीन, तीन काइनेमैटिक इक्वेशन, v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, और थर्ड इक्वेशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन होता है v square equals to u square plus 2as। कैलकुलस इतने काम की चीज है कि हर चैप्टर में कैलकुलस और वेक्टर्स ही यूज होता है, पूरे फिजिक्स में सिर्फ कैलकुलस और वेक्टर्स ही यूज होता रहता है, अब वो नहीं पता होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, वो नहीं पता होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये तीन इक्वेशंस को हम लोग, ये तीन इक्वेशंस को हमें कैसे ड्राइव करना है, इन तीन इक्वेशंस को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, इन तीन इक्वेशंस को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग, वी विल ड्राइव दिस इक्वेशन यूजिंग, वी ड्राइव दिस इक्वेशंस यूजिंग कौन सा थ्योरी, बाय कैलकुलस, वी ड्राइव यूजिंग कैलकुलस, में भी दो मेथड्स है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, वी ड्राइव यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के दो टाइप्स हैं, इनडेफिनिट है, डेफिनेट है, आज जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ डेफिनेट इनडेफिनेट है, मैं तुम्हें जो इंटीग्रेशन आज पढ़ा रहा हूँ वो कौन सा है, वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन को यूज करते हुए इसको डिराइव कर सकते हैं,
ज्यादा बेटर मेथड है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्यादा बेटर है इसके लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्यादा बेटर है इसके लिए। तो मैं तुम्हें थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बताता हूँ, फिर मैं तुम्हें स्टार्ट करवाता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। इसको ज्यादा मतलब बेस्ट तरीका तुम्हारे पास जो यूज करने का वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट में थोड़ा एक दो स्टेप्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, इनडेफिनेट में एक दो स्टेप्स हमारे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। डेफिनेट करोगे तो बिल्कुल शॉर्ट में हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, और तुमने ऑलरेडी कर भी रखा है बिकॉज तुम लोगों की थोड़ी पढ़ाई आगे बढ़ चुकी, तुमने ऑलरेडी कर भी रखा है। बट अगर तुम्हें समझ नहीं आई कैसे करते हैं क्यों करते हैं, बहुत लोगों को नहीं क्लियर होगा, तो उसको एक बार देख लो कैसे करते हैं क्या करते हैं क्यों करते हैं, एक बार इसको देख लो। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसा होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन समझाता हूँ तुम्हें कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर हम लोग वो तीनों रिजल्ट्स को ड्राइव कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन देख लेते हैं क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट मैं बताता हूँ क्या होता है। सपोज कर तुमने ये पढ़ा कि तुमने x टू पावर n dx करना होता है, तुमने क्या पढ़ा कि x टू पावर n प्लस वन होता है, ठीक है, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी अगर लिखा हो तो ये होता है इनडेफिनेट। कौन सा होता है ये होता है इनडेफिनेट, ठीक है ना, ये होता है इनडेफिनेट, मतलब डिफाइंड नहीं है प्रॉपरली, इसके लिमिट्स डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है इनडेफिनेट, क्या होता है ये होता है इनडेफिनेट, ये इनडेफिनेट है। यहाँ पे लिमिट्स नहीं बताए, यहाँ पे लिमिट्स के बिना इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं इनडेफिनेट, ठीक है ना, इनडेफिनेट। दिखाता हूँ कि लिमिट्स के साथ कैसा होता है, ये इनडेफिनेट है, यहाँ पे लिमिट्स नहीं बताए गए। बट कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है, कैसा होता है, मान लो एक्स टू पावर फोर डी एक्स तो बोला, बट साथ में यहाँ पे वन से लेकर थ्री लिखा हुआ है। क्या लिखा है, वन और थ्री लिखा हुआ है। वन को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, थ्री को बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। वन को क्या बोलते हैं, वन को बोलते हैं, वन होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और थ्री होता है अपर लिमिट। अब इंटीग्रेशन के लिमिट्स है हमारे पास, अब हमारे पास इंटीग्रेशन के लिमिट्स है, कहां से कहां तक तुम्हें वेरिएबल को चेंज करना है, एक्स कहां से कहां तक चेंज हो रहा है। क्या बताता है, एक्स की वैल्यू वन से लेकर थ्री तक जा रही है, एक्स की वैल्यू वन से लेकर थ्री तक जा रही है, ठीक है ना। वन हो गया लोअर लिमिट, थ्री हो गया अपर लिमिट, ये नोट कर लो। वन होता है लोअर लिमिट, थ्री होता है अपर लिमिट। तो वन होता है लोअर लिमिट, थ्री होता है अपर लिमिट, डन। वन क्या होता है, वन होता है लोअर लिमिट, थ्री होता है अपर लिमिट। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इंटीग्रेशन बिल्कुल ठीक वैसे जैसे पहले होता है वैसे सेम इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा x टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। ये एक्जैक्टली सेम वैसे जैसे पहले होता है, लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, अब यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और साथ में यहाँ पे इसके लिमिट्स लिखेंगे 1 से लेकर 3 तक। तो ये नोट कर लो, ये डिफरेंस है डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बीच में। ये जो बाद में कर रहे हैं इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहले जो हमने लिखा ये होता है इनडेफिनेट, पहला वाला था वो इनडेफिनेट था, सेकंड जो हम लोग लिख रहे हैं वो डेफिनेट है, ठीक है ना। ये डेफिनेट है, जहाँ वन और थ्री लिमिट्स डाल दिए वो डेफिनेट हो गया। तो सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, फोर प्लस वन कितना होता है फाइव, और अपॉन में भी फोर प्लस कितना होता है, फोर प्लस वन होता है फाइव, फिर लिमिट्स डालेंगे, लिमिट्स की वैल्यू वन से लेकर थ्री तक, लिमिट्स की वैल्यू वन से लेकर थ्री तक जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, इसको ऐसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं कैसे वो देख लो। पहले एक बार थ्री पुट करेंगे, थ्री पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, थ्री टू पावर फाइव माइनस, नेक्स्ट में वन पुट करेंगे तो वन टू पावर फाइव, थ्री टू पावर फाइव माइनस वन टू पावर फाइव अपॉन फाइव, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होता है, थ्री टू पावर फाइव माइनस वन टू पावर फाइव होल अपॉन फाइव, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आया कुछ समझ, इसको नोट कर लो। तो ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये क्या होता है, ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या होता है ये होता है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन, नोट कर लो। ये क्या होता है, ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, आ गया समझ। डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, अगर यहां पे कुछ लिखा नहीं, यहां पे कोई टर्म्स लिखा नहीं, यहां पे कुछ लिखा नहीं, यहां पर कुछ लिखा नहीं, एक्स पावर इंटीग्रेशन के साथ कुछ लिखा नहीं है नंबर्स, तो उसको बोलेंगे, अगर नहीं लिखा है तो बोलेंगे इनडेफिनेट, लिखा है तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे डेफिनेट। कुछ नहीं लिखा है तो मतलब इनडेफिनेट, लिखा है तो मतलब डेफिनेट, समझ में आ गया। डेफिनेट में लिमिट्स डाल के उसको फिर माइनस करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स डाल के फिर उसको माइनस करते हैं, उसको नोट कर लो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में पहले लिमिट्स पुट करते हैं फिर उसको माइनस करते हैं, ये क्लियर हो गया।
अब एक क्वेश्चन, एक और तुम्हें मैं फॉर्मूला करवा देता हूँ, एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, फॉर्मूला नोट कर लू। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, ये होता है x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x प्लस सी। तो जो भी वेरिएबल आ जाए, मान लो कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dt बोल दे कहीं पे, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा t प्लस सी, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dp बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस सी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू p है, विथ रिस्पेक्ट टू p है तो क्या आ जाएगा, p प्लस सी, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो कहीं पे dz बोल दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ dy बोल दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy हो जाएगा y प्लस सी। तो ये होती है चीज हमारे पास, ठीक है। सबसे ज्यादा काम फिजिक्स, सबसे ज्यादा काम फिजिक्स में क्या आता है, सबसे ज्यादा काम आता है फिजिक्स में हमारे पास एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या आता है काम सबसे ज्यादा हमारे पास, एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक। इसलिए हमने आज सिर्फ एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा और उसको हम लोग समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो एल्जेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक कर ले रहे हैं और उसको हम लोग प्रॉपरली समझ लेते हैं, ठीक है। ये लिख लिया, ऐसे ही क्या हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा, ऐसे ही अगर तुमने ये लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन डी एक्स, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन डी एक्स क्या होता है, ये होता है एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सबसे ज्यादा काम आने वाला तो फॉर्मूला यही है तुम्हारे पास, सबसे ज्यादा काम यही फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। अगर सपोज करो कि कहीं पे ऐसा लिखा है कि टी टू पावर फोर, क्या लिखा है, टी टू पावर फोर डी टी लिख दिया कहीं पे, टी टू पावर फोर डी टी लिखेगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये वेरिएबल अब हमारे पास टी है, टी के रिस्पेक्ट में करना, तो क्या हो जाएगा, टी टू पावर फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन। तो ये तरीका है हमारे पास। मान लो कहीं पे अगर वाई टू द पावर सेवन लिखा है dy, तो ये क्या हो जाएगा, y टू पावर सेवन dy क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y टू पावर सेवन प्लस वन अपॉन सेवन प्लस वन। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इन सारे कुछ को नोट कर लो, ये फॉर्मूलाज को हम लोग इस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये सारा नोट कर लो। इसके बाद मैं तुम्हें करवाता हूँ काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं बाई कैलकुलस मेथड, काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं बाई कैलकुलस मेथड। ये तुमने कर रखा होगा, बट अब थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आई, ये ऐसा क्यों होता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अब बहुत जल्दी हो जाएंगी चीजें। पहले मुझे समझाने में बहुत टाइम लगता, अगर मैं कैलकुलस मेथड से कर देता इंटीग्रेशन तो मुझे समझाने में बहुत टाइम लगता, बट अगर मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन अलग से सिखा दिया है, अब मेरा काम बहुत फास्ट हो गया, अब मुझे बहुत कम टाइम लगेगा तुम्हें समझाने में, तुम्हें समझने में बहुत कम टाइम लगेगा। अगर तुमने कैलकुलस सीख लिया तो समझने में बहुत कम टाइम लगेगा, फिर बहुत आसानी समझ लेते हो। सारा कुछ नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं कैसे कैलकुलस मेथड से डिराइव होता है, ठीक है ना। और कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन करते हैं, कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन करते हैं हम लोग। कैलकुलस मेथड से क्या डिराइव करते हैं हम लोग कैलकुलस मेथड से डिराइव करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। क्या डिराइव करते हैं, डिराइव करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। कैलकुलस मेथड से डिराइव करते हैं हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहला क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, v इक्वल टू u प्लस at, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या होंगे, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा प्रूविंग स्टार्ट हो रहा है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, यहाँ से हमारी प्रूविंग स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलेरेशन इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, हमने कई बार डिस्कस कर लिया। एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिंपल। a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू हो गया dv अपॉन dt। एक्सेलेरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डी टी इक्वल टू डी बी। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डी टी इक्वल टू डी बी। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डी टी इक्वल टू डी बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बी इक्वल टू ए डी टी भी लिख सकते हैं इसको, सो लिख सकते हैं डी बी इक्वल टू ए डी टी, ठीक है, डी बी इक्वल टू ए डी टी। आप इंटीग्रेशन का सिंबल डालते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और ये हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इनडेफिनेट में दो तीन स्टेप्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, अदरवाइज सब कुछ सेम होता है, बट दो स्टेप्स एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं इनडेफिनेट में। डेफिनेट थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहां तक नोट कर लिया, अब करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहां तक के स्टेप्स क्लियर है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स नोट कर ले सारा कुछ यहां तक। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स का मतलब क्या होता है, इसका सिंबल कुछ ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन कैसा होता है। इसके बाद के स्टेप्स को मैं रेड पेंसिल कर देता हूँ,
ताकि तुम्हें क्लियर दिखे कि कौन से इसके बाद के स्टेप्स है, कौन से इसके पहले के स्टेप्स है, कोई कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे क्या होगा इसके बाद के स्टेप्स में, इंटीग्रेशन डीवी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डी टी, इंटीग्रेशन डीवी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डी टी। अब लिमिट्स पुट करेंगे, अब क्या पढ़िए लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, पहले टाइम के पुट कर लो, पहले टाइम का पुट करो। टाइम कहाँ से कहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट करना है, हमने इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर टी तक। हमने इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, हमने जीरो से लेकर टी तक। हमारा टाइम चेंज कर रहा है जीरो से लेकर टी सेकंड्स तक, कहाँ से कहाँ तक, जीरो सेकंड से लेकर टी सेकंड्स तक टाइम चेंज हो रहा है। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ हो गए, जीरो से टी। लोअर लिमिट हो गया जीरो, अपर लिमिट हो गया टी। लोअर लिमिट हो गया जीरो, अपर लिमिट हो गया टी। ठीक है, जब टाइम जीरो, जब टाइम जीरो था तो स्पीड क्या थी, तब स्पीड थी इनिशियल स्पीड। जब टाइम जीरो था वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यानी यू था। जब टाइम जीरो था वेलोसिटी क्या था, इनिशियल मतलब कि यू था। जब टाइम टी है तो फाइनल क्या हो गया, फाइनल हो गया वी। टाइम जीरो तो यू, टाइम फाइनल हो गया तो मतलब वी। टाइम जीरो तो यू, टाइम फाइनल तो मतलब वी। ठीक है, टी हो गया तो वी हो गया। ठीक है, टी जीरो हुआ तो यू हो गया, टी हो गया तो वी हो गया। तो इसको नोट कर लो, टी जब जीरो था तो यू था वेलोसिटी, जब टी हो गया तो वी था वेलोसिटी। टी जीरो पे यू था वेलोसिटी, टी पे वी था वेलोसिटी। तो इसको नोट कर लो सारा कुछ, यहां तक क्लियर हो गया, ये सारे स्टेप्स क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बहुत सिंपल सा काम करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास कुछ इस तरह का स्टेप आ गया है। हमारे पास जो स्टेप आ गया मैं सीधा उसको लिख देता हूँ, किसी का मिस भी होगा तो यहाँ से तुम लोग नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी ए डी टी, लिमिट्स क्या बताया मैंने, जब टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक जा रही है। जीरो पे क्या था, जीरो पे यू था, टी पे क्या था, टी पे वी था। ठीक है, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, दोनों करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। जीरो टाइम पे क्या स्पीड क्या थी, स्पीड यू थी। जीरो टाइम पे स्पीड थी, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल स्पीड। क्या बोलते हैं, जब टाइम जीरो पे वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। टाइम जीरो पे वेलोसिटी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इसका सिंबल होता है यू। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, इसका होता है यू। सिंबल होता है इसका यू, इसका सिंबल हो गया यू। देन अब इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, मैंने क्या बताया इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स होता है एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीटी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीटी होता है टी। इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई होता है वाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बनेगा वी। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी। स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे फिर लिमिट्स डालेंगे यू से वी तक। ऐसे यहाँ जब इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे ए क्या है, अब यहाँ पे खास बात है कि यहाँ पे ए को हम लोग बाहर निकालते हैं, हम लोग ए को बाहर निकालते हैं और लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीटी। ये कब निकाल सकते हैं, इसको निकालने में एक कंडीशन, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये जो ए को हमने बाहर निकाला है, ए को हमने बाहर निकाला है, हमेशा नहीं निकाल सकते। ए को हम लोग तभी बाहर निकाल सकते हैं जब उसको बाहर निकालने का एक कंडीशन है, ऐसे नहीं निकाल सकते। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ए को हम लोग बाहर तभी निकाल सकते हैं इफ ए इज कॉन्स्टेंट। अगर ए कॉन्स्टेंट होगा तभी इसको हम लोग बाहर निकाल सकते, सिर्फ कॉन्स्टेंट बाहर निकलते हैं, बाकियों को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर एक्सेलेरेशन टाइम के साथ वैरी करेगा तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तब बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तो हम लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं। देन यहाँ तक अच्छा, तो अब टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, टाइम की वैल्यू जीरो से लेकर टी तक वैरी कर रही है। अब इसको इंटीग्रेट मारा, डीटी का इंटीग्रेशन क्या होता है, डीटी का इंटीग्रेशन होता है टी। डीटी का इंटीग्रेशन होता है टी, डीटी का इंटीग्रेशन होता है टी। टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर टी तक। टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, जीरो से लेकर टी तक वैरी कर रही है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, सो पुट करो लिमिट्स, लिमिट्स से पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पहले बी को पुट करेंगे तो बी आ जाएगा माइनस, नेक्स्ट क्या पुट करेंगे लोअर, पहले अपर माइनस लोअर, क्या होता है अपर माइनस लोअर। तो अपर में हो गया बी माइनस लोअर, क्या हो गया लोअर हो गया यू। अपर मतलब बी माइनस लोअर का मतलब क्या, लोअर का मतलब हो गया यू। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्सेलेरेशन ए हो गया, ब्रैकेट डालेंगे और फिर वो वैल्यू पुट करेंगे। एक बार टी पुट करेंगे माइनस जीरो पुट करेंगे, एक बार टी पुट करेंगे अगली बार जीरो पुट करेंगे, तो क्या आ गया, इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ गया बी माइनस यू इक्वल टू ए टी। क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट, हमारे पास रिजल्ट आ गया, रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास रिजल्ट आ गया है बी माइनस यू इक्वल टू ए टी। हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया बी माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। आ गया समझ, यहां तक कोई प्रॉब्लम। हमारे फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, हमारे फाइनल रिजल्ट आ गया बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। कोई डाउट है तो बताओ। Then, इसमें कोई डाउट, तुम्हें जब चीजें नहीं, मतलब तुम्हारे लिए जब न्यू चीजें हैं, जब तुम्हारे पास टॉपिक्स न्यू हैं,
तब मैं स्लो चलता हूँ, जब टॉपिक्स न्यू होते तब मैं स्लो चलता हूँ, जब तुम्हें उसमें कन्वीनियंट, तुम जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हें आराम हो जाएगा, तुम आराम से कर सकते हो इन चीज़ों को, तो स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। मान लो तुम नई नई गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तुम थोड़ी बहुत हाई स्पीड में चलाना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में तुम बहुत कम स्पीड में सीखोगे ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए, बट एक बार जब तुम कंफर्टेबल हो तो अपने आप स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है ना। कोई नए काम को सीखते हो तो तुम्हारा स्पीड थोड़ा स्लो होता है, बट जब एक बार तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, एक महीना तुम्हारा गुजरेगा, एक दो महीने गुजरेंगे, तुम्हारा स्पीड थोड़ा तुम अपने रिलैक्स होकर तुम कभी भी सॉल्व कर सकते हो, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, अपने आप तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो फिर बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कवरेज का टेंशन ना लो, पहले तुम लोग इस पर ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग कितना टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है इस पर ध्यान दो, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा तुम्हारा होना चाहिए टॉपिक, तुम्हारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए तुमसे। एक बार ये हो गया उसके बाद तो स्पीड अपने आप बन जाती है, स्पीड कोई बात नहीं, एक्यूरेसी पे पहले ध्यान दो, एक्यूरेसी कितना अच्छा है। समझ आ गया, सारे स्टेप्स क्लियर हो गया, इन स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं है, इन स्टेप्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लास हम लोग थोड़ी लंबी रख सकते हैं या क्लास को यहीं खत्म करना होगा, मैं एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ कि क्लास यहीं पे खत्म करनी होगी या फिर क्लास। तो यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम, ये बेसिक्स क्लियर हो गया तुम्हारे। चलो अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन कराता हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट इक्वेशन तुम्हें करवाता हूँ। नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट इक्वेशन क्या, सेकंड इक्वेशन कौन सा होता है, सेकंड इक्वेशन होता है, सेकंड इक्वेशन काइनेमेटिक्स क्या होता है, सेकंड इक्वेशन होता है काइनेमेटिक्स का, सेकंड इक्वेशन काइनेमेटिक्स में होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये बेकार बुक्स में ऐसे लिखते हैं, अच्छी बुक्स में ऐसे नहीं लिखते, खराब बुक्स देखो खराब बुक्स में ऐसे लिखे होते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो अच्छी किताब होती है उसमें ऐसे लिखा होता है। s को क्या लिखते हैं, s को लिखते हैं x माइनस x नॉट, क्या लिखते हैं, s को लिखते हैं x माइनस x नॉट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, s का मतलब क्या होता है, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया चेंज इन पोजीशन, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, अच्छी किताबों में ऐसे लिखा होता है चेंज इन पोजीशन, ठीक है ना। और जो उससे भी अच्छी किताब है रश्मि खरीडे वगैरह, तो उसमें जो लिखा होता है वो बताता हूँ कैसे लिखा होता है, जब फॉरेन ऑथर्स की अच्छी किताब पढ़ोगे तो उसमें ऐसे लिखा होता है, दिखाता हूँ। आजकल तो वो किताब आती भी नहीं है मार्केट में, बहुत अच्छी किताब थी मेरे पास पढ़ी है, लेकिन आजकल नया उनका नया एडिशन जो है वो तो वॉकर उसने खराब कर दिया है, पुरानी एडिशन बहुत अच्छी थी। तो अब ये चेंज इन पोजीशन, ठीक है ना, चेंज इन पोजीशन। अब तुम्हारे पास क्या, अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, इसको बहुत सारी अच्छी किताबों में ऐसे लिखा होता है एक्स इक्वल्स टू, यूनिवर्सिटी फिजिक्स में मेरे ख्याल से ऐसे लिखा हुआ है एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी, ये होता है एक्स नॉट का मतलब क्या होता है, एक्स नॉट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन, एक्स नॉट का मतलब क्या होता है, इनिशियल पोजीशन, ये ओरिजिनल पोजीशन, ये एक्स नॉट क्या, एक्स नॉट होता है इनिशियल पोजीशन, एक्स नॉट होता है इनिशियल पोजीशन, क्लियर, एक्स नॉट होता है इनिशियल पोजीशन, और एक्स क्या होता है, एक्स होता है फाइनल पोजीशन, एक्स होता है फाइनल पोजीशन, एक्स नॉट होता है इनिशियल पोजीशन, एक्स होता है फाइनल पोजीशन, एक्स नॉट होता है इनिशियल पोजीशन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, x होता है फाइनल पोजीशन, x नॉट होता है इनिशियल पोजीशन, u क्या होता है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन t एट टाइम। ये फॉर्मूला पूरे तरीके से क्लियर है सारा कुछ, x माइनस x नॉट मतलब चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्या हो गया x माइनस x नॉट क्या हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। इस बात को प्रॉपरली समझ लो, इसके बाद इसकी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं, समझ आ जाएगा, तो इसके बाद इसकी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बोलते हैं, बट इसका मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं, s का मतलब होता है x माइनस x नॉट, s का मतलब होता है x माइनस x नॉट मतलब चेंज इन पोजीशन, s का मतलब क्या होता है, x माइनस x नॉट मतलब चेंज इन पोजीशन। s को मत ढूंढना, x माइनस x नॉट को ढूंढना, किसको ढूंढना, x माइनस x नॉट पे ध्यान रखना, s पे ध्यान मत रखना, ये समझ आ गया। अब इसकी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं, ये समझ आ गया है तो इसकी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रूविंग होता है इसका, आओ देखते हैं। अगर तुम्हें कैलकुलस समझ आ गया तो सारा कुछ तो कैलकुलस का ही एप्लीकेशन है। प्रॉब्लम क्यों आती है, प्रॉब्लम आती है तुम्हें कैलकुलस नहीं आता और उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर दिक्कत आती है, कैलकुलस आएगा फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। हम लोग फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे बी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी से, हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रूफ करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी से स्टार्ट करेंगे, क्यों, बिकॉज यहाँ हमें वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, टाइम की जरूरत पड़ रही है, एक्सेलरेशन वगैरह की जरूरत पड़ रही है, बी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी से स्टार्ट करते हैं। और जो पहला रिजल्ट आया हमारा, जो पहला रिजल्ट है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, पहला रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, पहला रिजल्ट आया था बी प्लस यू प्लस ए, ठीक है, उसको यहाँ पुट कर देते हैं।
वी इक्वल टू यू प्लस एटी पुट कर दिया तो क्या बन गया, यू प्लस एटी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। वी इक्वल टू क्या था, वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी था, और जो फर्स्ट रिजल्ट था उसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ये कहाँ से है, ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आया, ये यू प्लस एटी डी एक्स अपॉन डी टी कहाँ से है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये आ गया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। आ गया है समझ, कोई डाउट है तो बताओ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यहां से जो हमने स्टार्ट, यहां तक जो हमने बात की है सारी थ्योरी है, ये सारा थ्योरी, यहां तक सारा कुछ थ्योरी है, ये सारा कुछ थ्योरी है, ये सारा कुछ हमारे पास थ्योरी है, हमने बेसिक को समझ लिया कि इक्वेशन होता क्या है। इसके बाद यहां से हमने प्रूफ स्टार्ट किया, यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो गया, इधर हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, यहां पर प्रूफ स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, वी की जगह आपको यू प्लस एटी डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम लोग बहुत ही सिंपल फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ आ रहा है ना, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिखा है, क्या लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारे पास डी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी, डी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी। डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा यू प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी। इसको मैं थोड़ा सा और ठीक कर लेता हूँ, डी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी। डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यू प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी। समझ आ गई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस ए टी डी टी। अब खास बात क्या है, खास बात है लिमिट्स, खास चीज क्या होती है, खास चीज यहाँ पे होती है लिमिट्स। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, टाइम की वैल्यू चेंज करते हैं जीरो से लेकर टी तक। टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज करते हैं, टाइम की वैल्यू चेंज करते हैं जीरो से लेकर टी तक। टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है जीरो से टी तक। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है एक्स नॉट से, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है एक्स नॉट से एक्स तक, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है एक्स नॉट से एक्स तक। बात समझ आ गया, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है एक्स नॉट से एक्स तक। ये नोट कर लो, एक्स की वैल्यू कहां से चेंज हो रही है, एक्स नॉट से एक्स तक चेंज हो रही है। टाइम की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 0 से लेकर टी तक चेंज हो रही है। एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है एक्स नॉट से एक्स तक, टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से लेकर टी तक। देन एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है एक्स नॉट से एक्स तक, टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से लेकर टी तक। ये नोट कर लो, ये नोट कर लिया, यहां पे कहीं कोई डाउट। अब मैं तुम्हें एक बताता हूँ कि स्टेप का कोई मतलब नहीं है, बट स्कूल वाले इसके स्टेप को पे ध्यान देते हैं, स्कूल वाले इस चीज पे ध्यान देते हैं और इस चीज के मार्क्स काटते हैं, तो इसलिए इस चीज पे ध्यान रखना। मैं तुम्हें बताता हूँ एक स्टेप क्या होता है, जनरली गलती क्या होती है बताता हूँ तुम्हें। ये समझ आ गया, यहां तक सारा कुछ क्लियर है। आओ अब नेक्स्ट बोर्ड पे आते हैं। तो हमारे पास लास्ट स्टेप क्या आया था, हमारे पास जो लास्ट स्टेप आया था, हमारे पास लास्ट स्टेप आया था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस ए टी डी टी। बेसिकली वो बी डी टी था, लेकिन यहाँ पर बी की जगह यू प्लस ए टी हमने पुट कर रखा है। टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर टी तक जा रही है। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एक्स नॉट से एक्स तक जा रही है। अब तुम्हें क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट मत कर देना। जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डी एक्स बहुत सिंपल एक्स से इंटीग्रेट निकाल दे, वो मत करना। जब इंटीग्रेट करो तो पूरा एक साइड एक साथ करो, जब भी इंटीग्रेट करो तो पूरे इक्वेशन को एक साथ करो। सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में जब भी इंटीग्रेट करो पूरे इक्वेशन को एक साथ इंटीग्रेट करो। जनरली बहुत सारे टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं इस चीज के, ठीक है। तो चलो इसको एक बार फिर से रिपीट करने में हमारा क्या जाता है, एक बार रिपीट कर देंगे दोबारा, एक बार बाद में कर लेंगे इंटीग्रेट। इसको पेशेंस रखा करो, पेशेंस रखो, इसको आराम से लिख लो सारे स्टेप्स को, ठीक है। टर्म बाई टर्म को यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे, टर्म बाई टर्म सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म बन जाएगा यू डी टी, क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा यू डी टी। सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी, क्या आ जाएगा हमारे पास सेकंड टर्म, सेकंड टर्म आ जाएगा ए टी डी टी। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, जीरो से लेकर टी तक चेंज हो रही है। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, जीरो से लेकर टी तक चेंज हो रही है। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट से एक्स तक, ठीक है। और यहाँ पे यू और ए की खास बात है, खास बात क्या है, यू और ए की, यू और ए कॉन्स्टेंट है, यू और ए क्या, यू और ए कॉन्स्टेंट है। यू बाहर आ जाएगा
इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ डीटीओ, इंटीग्रेशन डीटीओ की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन डीटीओ होती है टी, इंटीग्रेशन डीटीओ होती है टी, वैल्यू कहां से कहां तक चेंज करना है, जीरो से लेकर टी तक चेंज करना है, प्लस ए बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन किसी करनी है टी, टी करनी, टी डीटी करनी, क्या करना है हमने इंटीग्रेट करना है टी डीटी, क्या करना है हमने इंटीग्रेट, हमने करना है टी डीटी को इंटीग्रेट, तो क्या बनता है ये टी डीटी का मतलब टी टू पावर वन है, तो क्या हो जाता है ये होता है टी टू पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, अब वैल्यू कहां से कहां तक चेंज करेंगे, जीरो से टी, आ गया समझ, अब लिमिट्स पुट करेंगे, पुटिंग द लिमिट्स क्या हो जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा टी माइनस जीरो प्लस ए, क्या आ जाएगा ए के साथ आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो बाई टू, अब जीरो माइनस करो फर्क पड़ता ही नहीं, जीरो माइनस करो नहीं करो फर्क पड़ता ही नहीं, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा इक्वेशन, क्या आ जाएगा तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, तुम्हारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन आ गया, अब इसी x माइनस एक्स नॉट को क्या पुट कर देते हैं, x माइनस एक्स नॉट को हम लोग पुट कर देते हैं s, x माइनस एक्स नॉट को डिस्प्लेसमेंट इसको हमने बोल दिया s, x माइनस एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट उसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया s, ठीक है ना, x माइनस एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट उसको हमने बोल दिया s, तो ये हमारे पास बन गया, और एक इंपॉर्टेंट बात, जहां पर ट्रिक था वहां पर, कहां पर ट्रिक था, यहां पर ट्रिक था, इस स्टेप में ट्रिक था, मैं तो बताता हूँ, यहां पर नोट करना जरूरी था कि ये कब एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल तभी है जब इफ ए इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इफ ए इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, बिकॉज यू तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा ही रहेगा, यू हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, लेकिन ए कॉन्स्टेंट या वेरिएबल हो सकता है, यू हमेशा कॉन्स्टेंट, यू इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, यू इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ए वेरिएबल हो सकता है, तो अगर ए कॉन्स्टेंट होगा तभी बाहर आता है, ए कॉन्स्टेंट होगा तभी इंटीग्रेशन के बाहर आता है, तो हमारे जो तीन इक्वेशन है, हमारे जो तीन इक्वेशन है काइनेमेटिक्स के, उसको अप्लाई तभी करना जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन काम नहीं करेंगे, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन काम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो तुमने कंडीशन माना है ये आएगा ही नहीं, ये कंडीशन नहीं आएगा तो फॉर्मूला ऐसा बनेगा ही नहीं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा ही नहीं, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला काम कब करता है, फेल कब होता है, ये फॉर्मूला फेल तब हो जाएगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है तुम्हें, ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ आ गया होगा तुम्हें, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव कर लिया, सेकेंड इक्वेशन को प्रूव कर लिया, समझ आ गई बात, यहां तक कोई दिक्कत है, ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया, अब जो थर्ड इक्वेशन होता है वहां आता है चेन रूल, थर्ड इक्वेशन में कुछ ट्रिक आता है वो होता है चेन रूल से, थर्ड इक्वेशन कैसे प्रूव होता है, थर्ड इक्वेशन की प्रूविंग नोट कर लो, थर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, अब फिर से ट्रिक, एस क्या होता है, एस होता है, एस लिखते हैं बट वो एस नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है, वो होता है एक्चुअल में एक्स माइनस एक्स नॉट, उसको एक्स माइनस एक्स नॉट निकालेंगे बाद में एस पुट करेंगे, मतलब चेंज इन पोजिशन, क्या फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, चेंज इन पोजिशन वो एक्स होता है, ठीक है, चेंज इन पोजिशन यही होता है एक्स, चेंज इन पोजिशन होता है एस, चेंज इन पोजिशन क्या होता है, चेंज पोजिशन एस यानी डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजिशन इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल फॉर्मेट हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग इंटीग्रेटर ये निकालेंगे, हम ये निकालेंगे फिर वहाँ एस पुट कर देंगे तो ये अपने आप बन जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग क्या होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, याद नहीं रखो गलत हो जाएगा, इसको याद नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट सारी इक्वेशन को याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, ए इक्वल्स टू क्या होता है, ए इक्वल्स टू डीवी अपॉन डीटी होता है, बट इससे आंसर नहीं आएगा, ए इक्वल्स टू डीवी अपॉन डीटी से आंसर नहीं आएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसमें डीएक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, डीएक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, डीवी अपॉन डीएक्स इंटू डीएक्स अपॉन डीटी, ये हम लोगों ने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, और ये क्यों होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ चेन रूल,
ये आता है बिकॉज ऑफ चेन रूल बोल लो या पैरामेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म कर लो, लेकिन उनसे ही आता है, ये अपने आप नहीं आता, ये चेन रूल या पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्मेट से आता है। ठीक है, ये क्या बन गया, dx upon dt को क्या पुट किया, dx upon dt को v पुट कर लिया, dx upon dt को क्या पुट कर लिया, इसको v पुट कर लिया। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v dv upon dx, acceleration equals to क्या होता है, v dv upon dx। इससे ये प्रूव होता है, थर्ड इक्वेशन प्रूव करने का स्टार्टिंग क्या होता है, थर्ड इक्वेशन प्रूव करने की स्टार्टिंग पॉइंट होती है a equals to v dv upon dx। ये ध्यान रखना, 90% लोगों को इसी में ही प्रॉब्लम आती है, तो इसको नोट को अच्छे से ध्यान रखो। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी डीवी अपॉन डीएक्स करेंगे, टाइम को हमने हटा दिया, हमने टाइम को हटा दिया, क्यों हटा दिया, बिकॉज इक्वेशन में टाइम का कोई टर्म है, टाइम का कोई टर्म है ही नहीं, तो हमने सारा कुछ एक्स और वी के टर्म्स में कन्वर्ट किया, किसके टर्म्स में कन्वर्ट किया, एक्स एंड वी के टर्म्स में हमने सारा कुछ कन्वर्ट कर दिया। एक्स से पोजिशन वी है वेलोसिटी, एक्स क्या, एक्स से पोजिशन वी है वेलोसिटी, एक्स एंड वी में रखा है, टाइम को हमने हटा ही दिया, टाइम हमने रखा ही नहीं, a equals to dv upon dx into dx upon dt, dx upon dt क्या होता है, v होता है, a equals to v dv upon dx, क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया a equals to v dv upon dx, क्लियर है, क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया a equals to v dv upon dx। ये समझ आ गई बात, तो बहुत छोटा स्टेप है इसका, बहुत सिंपल, जो अभी तक करते आ रहे हैं वही सारा सेम काम करना है हमने, क्या करना है हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या था हमारे पास, a equals to v dv upon dx, ये स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी, ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी, फिर से लिख देते हैं वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स, क्या लिखते हैं, वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट्स करेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे, क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे, तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू कहाँ से जा रही है, एक्स नॉट से लेकर एक्स तक जा रही है, एक्स की वैल्यू एक्स नॉट से एक्स तक जा रही है, और वी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यू से लेकर वी तक जा रही है, स्टार्टिंग में पोजिशन, इनिशियल पोजिशन क्या था, एक्स नॉट, इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल पोजिशन था एक्स नॉट, इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल पोजिशन है एक्स, वेलोसिटी है वी, ये पुट करना जरूरी है, ये लिमिट्स क्लियर है, ये लिमिट्स क्लियर है, जब स्टार्टिंग इनिशियल की बात करें, जब t इक्वल्स टू 0, इनिशियल क्या होता है, t इक्वल्स टू 0, उस टाइम पोजीशन क्या था, पोजीशन था x नॉट, और वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी थी u, इनिशियल पोजीशन था x नॉट, वेलोसिटी थी u, इनिशियल पोजीशन था x नॉट, वेलोसिटी थी u, ठीक है ना, इनिशियल पोजीशन था x नॉट, वेलोसिटी थी u, ये सारा कुछ क्लियर हो गया, अब सिंपल इंटीग्रेशन है, अब तो बहुत इजी पार्ट है, इंटीग्रेशन तुमने सीख लिया तो बहुत सिंपल काम है, इसके बाद क्या बन जाएगा, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन क्लियर हो चुका है, इसके बाद क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल पार्ट है, वी डी वी क्या हो जाएगा, वी डी वी का इंटीग्रेशन होता है वी स्क्वायर अपॉन टू, वी डी वी क्या हो जाता है, वी स्क्वायर अपॉन टू, क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पावर में वन होगा, पावर में क्या हो जाएगा, वन एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यानी वी का पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, ये हो गया वी टू पावर टू बाई टू, और वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यू से लेकर ए तक, यू से लेकर वी तक जा रही है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यू से लेकर वी तक जा रही है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास dx का इंटीग्रेशन क्या है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, dx का इंटीग्रेशन होता है x, dx का इंटीग्रेशन होता है x, वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी इसकी, x नॉट से लेकर x तक जाएगी, और यहां पे हमारे पास एक ट्रिक पॉइंट है, ट्रिक पॉइंट क्या है कि ये अप्लाई कब होता है, ये अप्लाई कब हो सकता है, ऐसा हमने क्यों किया, हमने यहां पे एक अज्यूम किया, हमने क्या अजम्पशन किया, एक्सीलरेशन को हमने बाहर निकाला, बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, ओनली इफ, ओनली इफ acceleration is constant, only if acceleration is constant, अगर acceleration constant नहीं है तो ये बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, only if acceleration is constant, तो ये step clear हो गया, limits put करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा v square by 2, minus एक बार क्या आ जाएगा, u square by 2, एक बार आएगा v square by 2, एक बार आएगा u square by 2, ठीक है, equal to यहाँ put करेंगे तो क्या बन जाएगा, a times, एक बार आएगा x, एक बार आएगा x naught, a times x minus x naught, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v square, LCM है ना, 2 LCM बन जाएगा, तो v square minus u square by 2, यहाँ भी 2, तो LCM क्या बन जाएगा, 2, v square minus u square by 2 equals to a times x minus x naught, v square minus u square by 2 equals to a times x minus x naught, cross multiply कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, इसका answer आ जाएगा, v square minus u square equals to 2a v square minus u square equals to 2a x minus x naught को s put कर दो,
x माइनस एक्स नॉट को एक्सपोर्ट कर दो तो क्या बन जाएगा हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, आ गया हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू, हमारे पास आ गया v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as या फिर 2a x माइनस एक्स नॉट, जो मर्जी लिखना चाहो लिख दो, तुम्हारा चॉइस है। एग्जाम में जैसा प्रूव करने बोलेंगे वैसा लिख कर देना, अगर s बोलेंगे तो s कर देना, x माइनस एक्स नॉट बोलेंगे तो x माइनस एक्स नॉट कर देना। समझ आई बात? फिजिक्स में क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे मतलब काइनेमेटिक्स का तुम्हें प्रूव होगा तो रोटेशन में भी सेम यही पार्ट आता है, रोटेशन में बिल्कुल सेम यही पार्ट आता है। तुमने अगर एक सीख लिया तो अगला तुम्हारा ऑटोमेटिक कंप्लीट होगा, जिससे तुम्हारा स्पीड बढ़ जाता है। इसे क्या होता है, तुम्हारा स्पीड बढ़ जाता है, बहुत सारे टॉपिक्स एक जैसे हैं, सबके अंदर एक जैसी मैथ्स लग रही होती है। अगर तुम्हें कैलकुलस समझ आ गया इलेक्ट्रिक्स में, सारा स्टेप तुम्हारा बहुत फास्ट हो जाएगा, तुम्हारा काम बहुत ईजी हो जाएगा, तुम्हारा टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक है, तो वहां हम लोग टाइम बचाएंगे, हम लोग कैलकुलस में टाइम नहीं बचाएंगे, हम लोग कैलकुलस सीखने में टाइम नहीं बचाएंगे, कैलकुलस में टाइम लगाओ, सीखो कैलकुलस को, टाइम बचाएंगे हम लोग फिजिक्स के टाइम। तो वहाँ बहुत कुछ एक जैसे, वहाँ पर बहुत तुम इजीली सीख जाओगे, वहाँ टाइम तुम्हारे बहुत बच जाएगा। बट कैलकुलस सीखने, वेक्टर सिखाने में अपना टाइम लगाओ, जितना टाइम यहाँ लगाओगे उतना तुम्हें फायदा होगा। यहाँ टाइम बचाओगे तो बहुत आगे जाके प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, पहले इसको अच्छे से सीखो, उसके बाद आगे लगाओ। ठीक है, क्लियर? तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने इंटीग्रेशन सीख लिया, इंटीग्रेशन का मतलब सीख लिया, काइनेमेटिक इक्वेशन की डेरिवेशन कर लिया। क्या किया हमने आज, हमने आज इंटीग्रेशन सीख लिया, इंटीग्रेशन का मतलब सीख लिया और काइनेमेटिक इक्वेशन के डेरिवेशंस कर ली। तो आज की क्लास बस इतनी रहेगी। थैंक यू, यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद आज की क्लास यहीं पे खत्म कर लो, है।